नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है टीटी न्यूज़ के खास एपिसोड बिहार नीति में। और आज इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी के स्थापना दिवस पर तैयारी तेज है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद। जी हां, दरअसल राष्ट्रीय जनता दल 5 जुलाई को 25वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर 4 एवं 5 जुलाई को स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दूसरे दिन यानी 5 जुलाई को संयुक्त सत्र को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल बनाया था। आपको बता दें कि इस स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी की ओर से पौधारोपण भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर तेजस्वी यादव के सभी लोग और कार्यकर्ता सब लोग तैयार हैं और गुरुवार को इस पर एक बैठक होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 28 एवं 29 जून को पटना में बैठक होगी। पहले दिन विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठक करेंगे। दूसरे दिन जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। तय हुआ कि स्थापना दिवस समारोह में सभी नेता ऑनलाइन ही जुड़ेंगे। लालू प्रसाद दिल्ली से कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे, वहीं तेजस्वी व जगदानंद पटना से जुड़ेंगे। इसको लेकर अन्य तैयारियों पर चर्चा होगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि राजद के स्थापना दिवस के पहले रामविलास पासवान की जयंती भी मनाई जाएगी। बता दें कि दिल्ली से पटना आते ही तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बड़ा राजनीतिक आमंत्रण दे दिया था, लेकिन चिराग के अंदर की बातों को स्पष्ट तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो चिराग अकेले ही अपना दमखम दिखाने को तैयार है। हालांकि दिलचस्प यह होगा कि राजद का स्थापना दिवस और चिराग का आशीर्वाद यात्रा दोनों ही 5 जुलाई को होना है। खैर, इस एपिसोड में मैं राजद के स्थापना दिवस और संबंधित कार्यशैली का विवरण मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कड़ी में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विनोद श्रीवास्तव को बनाया गया राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष। जी हाँ, अगर हम खबरों को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता विनोद श्रीवास्तव को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उन्हें मनोनीत किया है। राजद के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि विनोद श्रीवास्तव मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार रह चुके हैं। शायद आपको भी पता होगा कि ये वही विनोद श्रीवास्तव हैं जो लालू जी के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके निजी सचिव थे। बहरहाल, राजद का स्थापना दिवस तो फिक्स है और साथ ही रामविलास पासवान की जयंती भी फिक्स है। ऐसे में स्थापना दिवस और आशीर्वाद यात्रा एक ही दिन होगा। अब देखना यह है कि इस मौके पर बिहार की जनता इन दोनों आयोजनों को कैसे इंटरटेन करती है। अगर आपको भी इसमें छिपा कुछ एंगल समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल आज के बिहार नीति एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।